GU204565 कर रहा है लीड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज की एक नई वीडियो के साथ और एक नई धमाका खेज अपडेट के साथ लाहौर रेलवे जंक्शन से खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर, और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी एक पेशावर से कराची ट्रेन चलने जा रही है, तो बस आपको मैंने ये बताना है कि इसका रूट क्या होगा, क्योंकि अब इस ट्रेन का रूट चेंज किया जा रहा है। तो क्या यही अवाम एक्सप्रेस होगी या इस ट्रेन का नेम कुछ और होगा, और अगर इस ट्रेन का नेम जो ट्रेन चलने जा रही है इसका नेम कुछ और होगा तो फिर अवाम एक्सप्रेस का क्या बनेगा। तो ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं करूँगा शेयर। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर रेलवे की अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा चैनल मिस्टर फिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूवर्स, लास्ट रोज़ मेरी शालीमार एक्सप्रेस के मुतालिक वीडियो आई थी, और शालीमार एक्सप्रेस चलने जा रही है बरास्ता फैसलाबाद। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बयान दोबारा से कर देता हूँ कि शालीमार एक्सप्रेस का 9 जून को सर्वे किया गया था, तो शालीमार एक्सप्रेस में 70% सीट्स अगर तमाम क्लासेस की मैं आपको बताऊं तो खाली पाई गई उस सर्वे में, और पता ये चला कि पाकिस्तान रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान रोज़ाना की बुनियाद पर बर्दाश्त करना पड़ा था, जिस वजह से शालीमार एक्सप्रेस को दोबारा से बरास्ता फैसलाबाद चलाया जा रहा है। और अब से कुछ दिनों में जो ट्रेन है वो उधर की बजाय यहाँ से चलेगी और बरास्ता फैसलाबाद, टोबा टैक्सिंग और शॉर्टकट के ज़रिए होती हुई मुल्तान जाएगी। खानेवाल तो स्टे नहीं है, तो आई होप्स खानेवाल भी 1 से 2 मिनट का स्टे होना चाहिए, ताकि अब जो नेक्स्ट पाकिस्तान रेलवे शालीमार एक्सप्रेस को लेकर कदम उठाने जा रहा है तो उसमें कामयाबी भी होनी चाहिए। तो 1 से 2 मिनट का स्टॉप ना होने के बराबर भी मिल जाए तो उम्मीद यही है कि सुबह के टाइम फैसलाबाद से, शोरकोट से या टोबा टैक्सी से लाहौर से तो एक अच्छी तादाद पैसेंजर्स की सफ़र कर सकती है शालीमार एक्सप्रेस में। मिस्टर फिरतू का प्यारा सेगमेंट मिलो मेरे फैंस के साथ, हसन खानेवाल से इनका ताल्लुक, और हसन भाई बन चुके हैं मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा। खानेवाल से इनका ताल्लुक है और खानेवाल रेलवे जंक्शन पर आज से 7 से 8 रोज़ पहले इनकी मेरी मुलाकात भी हुई थी। इसी तरह आप भी मेरे इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। जल्दी से पूरी दुनिया में आप कहीं से भी मेरी बात कर रहे हैं तो जल्दी से अपनी प्यारी सी पिक्चर भेज दें मुझे, इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और कोशिश करें कि मेरा जो इंस्टा अकाउंट है उसे फॉलो करें, फॉलो करके अगर आप पिक्चर भेजेंगे तो वो मुझे जल्दी आएगी। मैं काफ़ी बार पहले भी कह चुका हूँ कि पिक्चर मुझे जल्दी आ जाएगी, नोटिफिकेशन मुझे जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मेरा 7 से 8 साल पुराना अकाउंट है और रिक्वेस्ट्स में बहुत से मैसेज पड़े हुए हैं, इस तरह फिर पता नहीं लगता। तो मिस्टर फिरतू को इंस्टा पर फॉलो करें, टिकटॉक पर करें, फेसबुक पर करें, स्नैक वीडियो पर करें, वो आपकी मर्ज़ी है। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, और जो यूज़र्स 5 सवालों के जवाब मुकम्मल कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, उन्हें मैं हैंड फ्री भी पार्सल कर रहा हूं। कल भी एक यूज़र को मैंने बहावलपुर भेजी है, तो इसी तरह आप भी 5 सवालों के जवाब मुकम्मल करके ये इनाम जीत सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किया था कि कराकरम एक्सप्रेस पाकिस्तान में वो न्यू चाइनीज़ कोचेस जो ब्लू कलर की थी कब चलाई गई थी, तो मुनीर बूटा का मुझे 2nd-3rd नंबर पर राइट आंसर आया था। और 2 यूज़र्स ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले राइट आंसर दिया लेकिन उनका जो नेम है वो मेंशन नहीं, यूज़र्स हैं और अजीब से इनके जो यूज़र हैं वो बने हुए हैं। अब मुझे ये पता ही नहीं कि इनका नेम क्या है, इनका कहाँ से ताल्लुक़ है, तो मैंने कैसे इनको लेकर चलना है। तो अगर ऐसा कोई यूज़र हो तो अपना नेम वगैरह, सिटी वगैरह मेंशन करके फिर राइट आंसर दे। तो मुनीर बूटा एक समझ आ रही है, मुनीर बूटा का मैं जो आंसर है वो अपने पास कर रहा हूँ सेव। और मुनीर भाई,
आपका एक राइट आंसर मेरे पास आ चुका है। 14 अगस्त 2002 को चली थी कराकरम एक्सप्रेस। और आज का न्यू क्वेश्चन ये है कि तेजगाम एक्सप्रेस पहली दफ़ा पाकिस्तान में कब चलाई गई थी। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं। एक यूज़र एक सवाल से आगे चल ही नहीं रहा। रोज़ाना एक नया यूज़र होता, तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ाना एक यूज़र आए, 5 सवालों के जवाब मुकम्मल करे और जीते जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री। तो आज का क्वेश्चन आंसर्स का जो सेगमेंट है वो भी हो गया। अब फाइनली ट्रेन की बात करते हैं कि आया क्या होने जा रहा है, अवाम एक्सप्रेस बहाल होगी या एक नई ट्रेन नए रूट पर। तो ये सब अब तफसील से आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। जी तो दोस्तों, एक नई ट्रेन चलने जा रही है कुछ ही अरसे में। पेशावर से ये ट्रेन चलेगी और इसका जो रूट है वो न्यू रूट रखा गया है। क्यों रखा गया है ये भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो पेशावर से ट्रेन चलेगी रावलपिंडी और लाला मूसा से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी और मलकवाल, सरगोदा, झंग, शोरकोट, खानेवाल, मुल्तान से होती हुई गाड़ी जाएगी सीधा कराची। तो इस रूट पर ट्रेन चलाने का एक ही मकसद है कि पहले झंग और सरगोदा झंग, ये जो ये इतना एरिया शोरकोट, एक ही ट्रेन इस पर चलाई जा रही है। तो मुसाफरों की सहूलत देखते हुए ये दूसरी ट्रेन जो कि पेशावर से कराची के दरमियान चलेगी, और इन एरियाज़ में मलकवाल हो गया, सरगोदा हो गया, झंग हो गया, शोरकोट हो गया, मंडी बाउद्दीन के जो इजला है, तो इस आवाम को पाकिस्तान रेलवे एक सस्ती और ट्रेन देना चाहता है, और जिससे वो पेशावर भी जा सकेंगे, पेशावर साइड, पिंडी साइड पर भी जा सकेंगे, और खानेवाल, मुल्तान, शोरकोट, कराची, बहावलपुर वगैरह में भी इस ट्रेन के ज़रिए जा सकेंगे। तो पाकिस्तान रेलवे एक चीज़ और देख रहा है कि इस ट्रेन को लाला मूसा, सरगोदा और बरास्ता, फैसलाबाद, शोरकोट, खानेवाल चलाया जाए। तो ये एक ट्रेन आई है मेरे सामने। अब ये सामने सूरज है, GU204565 कर रहा है लीड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ट्रेन रोज़ाना आती जाती रहती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसे लगाया जाता है। तो फिलहाल पाकिस्तान रेलवे सोच रहा है कि बरास्ता फैसलाबाद, सरगोदा फैसलाबाद इस ट्रेन को चलाया जाए, लेकिन अखबार में, जैसे कि अखबार में भी लिखा गया, और ये मैं नहीं कह रहा, कि कहा गया कि सियासी दबाव ये है कि इसे मलकवाल, सरगोदा, जंग, शोरकोट ही चलाया जाए, और ज़्यादातर चांस यही है कि ये इसी लाइन पर, इसी रोड पर ट्रेन चलेगी और पेशावर से कराची जाएगी। तो क्या यही वो ट्रेन होगी जिसका इतने अरसे से, तकरीबन 10 माह से इंतज़ार किया जा रहा है, अवाम एक्सप्रेस? तो दोस्तों, जाहिर बात है पेशावर से ट्रेन चलेगी, सिर्फ इस ट्रेन का रुख चेंज किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान रेलवे इस ट्रेन का नाम कुछ और रख देता है तो फिर बड़ी तादाद में पाकिस्तान में सोचा जाएगा, रेल फैंस की तरफ से, पैसेंजर्स की तरफ से, कि अवाम एक्सप्रेस का क्या बनेगा। तो अवाम एक्सप्रेस ही ये ट्रेन होगी, इसका नेम, ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि यही अवाम एक्सप्रेस होगी, और इसका जो रूट है वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो ये वाला होगा, ठीक है? तो अगर इस ट्रेन का नेम चेंज हो जाता है तो फिर अवाम एक्सप्रेस का क्या बनेगा, फिर बड़ी तादाद में पूछा जाएगा कि अवाम एक्सप्रेस बहाल करो। तो पेशावर से मज़ीद जो ट्रेन्स हैं वो पाकिस्तान रेलवे बहाल नहीं कर सकता। तो आई होप कि यही अवाम एक्सप्रेस होगी, सिर्फ इसका रूट चेंज हो गया है, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया, लाला मूसा, मलकवाल, झंग, सरगोदा, झंग, शोरकोट, खानेवाल, मुल्तान, और फिर वहाँ से होती हुई ये जाएगी अवाम एक्सप्रेस कराची। तो अवाम एक्सप्रेस ट्रेन ही होगी
अगर इसका नेम कुछ और होगा, अगर हो भी जाता है कोई और नेम, तो फिर आप अवाम एक्सप्रेस को भूल जाएं कि कभी अवाम एक्सप्रेस चलेगी, लेकिन यही अवाम एक्सप्रेस ट्रेन होगी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। तो फ़िलहाल जैसे इसका कन्फर्म नोटिफिकेशन आएगा तो वो मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा, फेयर्स शेयर करूँगा तमाम स्टॉप्स के, और क्या डेट, कौन सा मंथ, हो सकता है एक से डेढ़ महीने में ये ट्रेन चल जाए, क्योंकि इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी, शालीमार की भी अपडेट आएगी, वो भी शेयर करनी है आपके साथ, मज़ीद अपडेट फाइनल डे के, किस डे से शालीमार एक्सप्रेस बरास्ता फैसलाबाद जाएगी वो भी शेयर करूँगा, और इस ट्रेन के मुतालिक भी मज़ीद जो अपडेट्स मेरे पास आएंगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। रोज़ाना की बुनियाद पर वैसे भी पाकिस्तान रेलवे की इतनी अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ करता हूँ शेयर। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर पिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। तो इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर पिरतू आपसे चाहता है इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।